हेलो, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे, 8 साल बाद अब फिर भर्ती होने वाली है बिजली कंपनियों में। 500 इंजीनियरों की भर्ती होने वाली है, तो सारी डिटेल पे बताऊंगा। कब ये पद, क्या पद है क्या नहीं, कब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, तो सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। भोपाल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर चुके मध्य प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। ये अवसर ऊर्जा विभाग देगा। विभाग के अधीन आने वाली 5 बिजली कंपनियों में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग यानी गेट क्वालिफाइड उम्मीदवारों को लिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। गौरतलब है कि 8 साल बाद इतने पदों पर रिक्रूटमेंट होगा। ऊर्जा विभाग ने शासन से भर्ती कराने के लिए मंजूरी ले ली है। भर्ती को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और शिवराज सिंह जी को जीतना है, तो उन्होंने अब थोड़ा रोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। अब धीरे धीरे वो अपनी वैकेंसियाँ देना चालू करेंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के मुताबिक प्रदेश की 5 कंपनियों में एई और जेई के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी कंपनियों के बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों में ज़रूरत के लिहाज से खाली पदों को लेकर निर्णय लेंगे। 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले चरण में 300 पद और दूसरे चरण में 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जो जानकारी थी मैंने दे दी। अब इसमें जो दुबे जी है, उनका क्या कहना है? दुबे जी ने बताया कि बिजली कंपनियों में नियमित कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इस कारण कंपनियों में पद खाली है। इस भर्ती के लिए नए सेटअप में कोई ज़रूरत नहीं। गेट से एई और जेई के लिए पीबी परीक्षा लेगा, पीबी जो है इसका एग्ज़ाम लेगा। इसमें 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आ सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में बेहतर परिणाम मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और ऐसे ही रोज़ रोज़ न्यू रिक्वायरमेंट वैकेंसी वाले वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।